छोटी नहीं है? कहाँ छोटी है भाई, छोटी लग रही है मेरे को आपके लिए। ओ 18 प्लस। हाँ कल पूल में गया था तब 18 प्लस नहीं समझ आया। आजकल ये थोड़ा चल रहा है नेट वाला। ये पता है ये जो शर्ट दिखा रहा हूँ ना मैं, इस कैमरे के पीछे जो एक लड़की बैठी है उसकी नजरें बिल्कुल इसके ऊपर पहुंच गई है। इसने अपने आप को इमेजिन भी कर लिया कि ये मेरे को भी पूरी हो जाएगी तो मैं भी पहन लूंगी। Hey, what's up? Welcome back to the channel again. I hope you guys are doing well. So we'll be starting our vlog here with the 7 hours and the 7 intensity. Now it's the checkout time. हम लोग निकल रहे हैं इस बढ़िया सी प्रॉपर्टी से, बट उससे पहले हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लोर करके जाएंगे क्योंकि कल हम लोगों ने ज्यादा कुछ एक्सप्लोर नहीं करा, कल हमने रेस्ट करा, ऑफ रोडिंग कर रहे हैं। हमने हॉर्सेस, मतलब मैं सुबह गई थी हॉर्सेस के पास लेके, क्या वो लात मार के भगा दिया उन्होंने, मुझे देखा, मैंने देखा, वो खाना खा रहे थे, फिर हम ब्रेकफास्ट करने चले गए। पीछे बैठने का जो फन है ना वो अलग ही, ऐसे लगता है कि तुम रिवर्स में जा रहे हो। तो अभी हम लोग जाने वाले हैं, यहाँ पे रिजॉर्ट का ही जू है, मतलब एनिमल फीडिंग एरिया है, लेक है साइड में, और भी छोटी मोटी एक्टिविटीज करने के लिए बहुत, मतलब है यार, तुम फैमिली के साथ आओ, दोस्तों के साथ, तब तुम एंजॉय कर सकते हो। अभी हम दो ही लोग हैं तो इतना ज्यादा फन नहीं तो हो पाता। अरे रहने दो यार, मैं इंटरेस्टेड रहता हूँ। ये वो नहीं है जो हम देखने आए थे, हम जो देखने आए हैं वो वहाँ पे है, बट यहाँ पे सोचो फोन वोन गिरा तो गया टपो, पानी बहुत गंदा है यार वो ना। बट यहाँ पे बोटिंग भी होती तो अच्छा लगता। यहाँ पे बच्चे आए हैं कुछ खुराफाती काम करने के लिए। चले, बहुत ज्यादा धूप है यार यहाँ। इनको ईमू बोलते हैं, बट इन लोगों ने इनका एक पर्सनल नाम भी दे रखा है, बसंती है एक का नाम डोरा है। इसको तो गूज बम्स आ रखे हैं, इसके सारे बाल खड़े हो गए घरे के बाहर। यू आर गोट ब्रो, यू आर गोट। वो भी तुझे टेंशन नहीं देगी मेरी तरह। कोई नहीं, आप मत दो, वो दे देगी। वो भी नहीं देगी, मत देना ब्रो, ओके? यू एंड मी सेम टीम, प्लीज डोंट टॉक। एक काम करो ना, आईपीएल की टीम क्यों नहीं बना लेते। ओए इसके अंदर रैबिट है, पिग्स हैं। ये पिग कहाँ से लग रहे हैं? पिग बेबीज हो गए ना ये। यार ये पिग कहाँ से लग रहे हैं? नहीं लग रहे मेरे को तो, ये वो लग रहे हैं, चूहे टाइप लग रहे हैं, वो या तो रैबिट टाइप लग रहे हैं, बट ये पिग तो नहीं है। ओए गंदू बच्चू। गाइस बाहर आना है तुम्हें? बाहर आओगे तो बताओ, खोल दूं मैं। हाँ या ना, बाहर आना है कि नहीं? हाँ या ना ब्रो, हाँ या ना बोलना। जी जी पट रही होंगी। बढ़िया यार, छोटा सा क्रिकेट ग्राउंड भी यहाँ पे, और फुटबॉल के गोल पोस्ट लग रखे हैं। ये वॉलीबॉल का कोर्ट है और पीछे बैडमिंटन कोर्ट है, बास्केटबॉल कोर्ट भी है पीछे, लॉन टेनिस वाला भी है। ये का फैन मीटअप हो रहा है, सब लोग आ गए भाई, वो भी घोड़ा आ गए इधर। ये लात वात मार दिया तो ये लोग सोते भी नहीं है यार। कह रहे कि एक टांग नीचे करके तीन पैर में खड़े खड़े आँख खोल के सो जाते हैं, बस सुस्ताई लेते हैं, अंगड़ाई लेते हैं। जस्ट लाइक के शी डोंट लाइक टू स्लीप। आर यू अ हॉर्स? बट पता है सोने से आपकी वो लाइफ साइकिल लाइफ बढ़ती है, इसलिए ये लोगों की काम है। तो उनको बोलो कि तुम भी नींद लिया करो, और अपने आप को भी बोलो बाय बाय। ये तो बोजैक हॉर्समैन की तरह लग रहा है ये वाला। हाँ, वो वाइट है ना बीच में, वो बोजैक भी ऐसा ही है, बट वो बहुत बकचोद घोड़ा। चलो भाई अब चलते, बहुत ज्यादा धूप है यहाँ पे। वी हैव सक्सेसफुली चेक्ड आउट, उसके बाद हम लोग जू वगैरह घूमे, एंड देन हमने बर्गर खाया। गाइस यहाँ का बर्गर जो है ना वो प्रॉपर्टी दे दो, हम भी अपना छोटा सा वेस्टर्न बना ले। वेस्टर्न क्यों, बैकयार्ड के सपने टूट गए हैं क्या तुम्हारे? वेस्टर्न पे भी बैकयार्ड है, बैकयार्ड के सपने कैसे टूट जाएंगे मेरे? बैकयार्ड वो होता है छोटा सा घर होता है और बहुत बड़ा बैकयार्ड होता है, तुम क्रिकेट खेलते हो, तुम वहाँ पे आराम से क्रिकेट ग्राउंड होता है, दैट्स व्हाई यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग मी फ्रॉम द बिगिनिंग इटसेल्फ। गर्मी लग रही होगी ना गाइस आपको, अभी डायरेक्ट धूप पड़ रही है आपके ऊपर। सेंसेस बात का कोई सेंस है? वेरा कोई बात नहीं कावे गए, व्हाई आर काउली, उनको क्यों गर्मी लगेगी, वो तो अपना इसमें बैठ के देखते हैं हमारा व्लॉग। तो वी आर बैक होम, और अभी की तो बैटरी पूरी उड़ती हुई नजर आ रही है। मैं ना ढंग से ले आ, फिर मेरा टूट ही मेरे फ्रेम्स ले जाएंगे। क्या एक्सक्यूज मी, फिर तो मैं लूंगा ही नहीं अपने। Ketan got a new package, जो कि बहुत रेयरली होता है हमारे घर में, मेरे पैकेजेस आते हैं, वरना तो फिर एक ही के आते रहते हैं बस और जाते रहते हैं। Stop targeting me. Who's targeting you? मैं आपको थोड़ी बोल रहा हूँ। ये शर्ट मेरे को बहुत पसंद है, and बहुत यार तू टीचर है, टीचर बोलते थे ना ऐसे, बेटा बाहर के देख रहे, बाहर के चल रहा है, छोटी नहीं है? कहाँ छोटी है भाई?
अच्छा लग रहा है, बट इसके नीचे तेरे को पहनने पड़ेगा सैंडो, आजकल ये थोड़ा चल रहा है नेट वाला। ये पता है ये जो शर्ट दिखा रहा हूँ ना मैं, इस कैमरे के पीछे जो एक लड़की बैठी है उसकी नजरें बिल्कुल इसके ऊपर पहुंच गई, इसने अपने आप को इमेजिन भी कर लिया कि ये मेरे को भी पूरी हो जाएगी तो मैं भी पहन लूंगी। शट अप। तो कल हम लोग जब स्टेकेशन के लिए गए थे उधर, तब से मेरे पास इतने मेल आए और मैं लास्ट वाले ब्लॉग में बात करी थी कि टिकट्स वगैरह का बहुत बुरा हाल है, एंड एक्चुअली बहुत बुरा हाल चल रहा है। गुजरात में रहते हैं वो लोग मेल कर रहे हैं कि वी कैन गिव यू टिकट्स फॉर अराउंड 16K, 17K, 18K, मतलब वो बार्गेन कर रहे हैं, बट इंडिया में वर्ल्ड कप बहुत बुरा हाल टिकटों का एज यूजुअल। बट हाँ, मेरे पास एक और अपॉर्चुनिटी थी आकाश भैया के पास, एक टिकट थी इंडिया पाकिस्तान की, बट वो ये ट्रैवल अकेले जाना पड़ता है मेरे को यहाँ से दिल्ली से। ऑल्सो फ्लाइट की टिकट्स का भी कोई हाल नहीं है भाई, मतलब 20-25 हज़ार रुपए की टिकट है, मैं कहा यार 50-60 हज़ार 70 हज़ार रुपए एक मैच के लिए जाऊंगा कोई मतलब नहीं है। बट हाँ, वही इंडिया पाकिस्तान मैच 2018-16 के बाद पाकिस्तान आ रही है यहाँ पे, मैच तो तगड़ा होने वाला है, बट कल हम लोग देखेंगे, स्क्रीनिंग के लिए जाएंगे यार, बट वही है दोस्त सारे साथ में देखेंगे, मैच की फील पूरी लेनी, दैट थिंग इज इम्पोर्टेंट, एक बॉल मिस नहीं करेंगे। बट आप लोग बताओ कितनी में आप लोगों ने टिकटें ली, जो 6-4 2 हज़ार रुपए की टिकटें वो पता नहीं ब्लैक में 25-30, वो तो मेरे को मिल रहे जो मेरे नोन में है उनसे मिल रहे उतने की, वो कह रहे कि भाई नुकसान में तो हम लोग भी टिकटें नहीं देंगे, बात उनकी भी ठीक है, अगर कहीं मार्केट में बिक रही है उनकी वो सेम टिकट तो मेरे को क्यों सस्ती देंगे, किसी को भी क्यों सस्ती देंगे। अभी थोड़ी देर निकला हूं मैं बाहर ड्राइव पे शाम को, थोड़ा सा द्वारका में बढ़िया माहौल रहता है तो दोस्तों से मिलने के लिए निकला हूं। कल का तो प्लान अपना सॉर्टेड है, इंडिया पाकिस्तान मस्त स्क्रीनिंग पे देखेंगे, फर्स्ट इनिंग तो मैं घर पे ही देखूंगा, बट सेकंड इनिंग हम लोग बाहर जाएंगे, एक फ्रेंड का बर्थडे है जो उस दिन आया नहीं था, थर्ड बंदा। बाकी जो एक्साइटमेंट मेन लेवल जो टॉप टियर की हो रही है वो है दिवाली, हर साल इस टाइम पे भाई का मजा आता है यार, मेरे को तो घर में रहने का मन नहीं करता, जस्ट वॉन्ट टू रोम अराउंड एंड सी पीपल गेटिंग रेडी एंड कमिंग आउट द मार्केट एंड खाना पीना खाते हैं, मूवी देखने जाते हैं, घर को सजाते हैं, लाइटें लगाते हैं दिवाली के टाइम पे। ऑल्दो अभी है महीना भर है, अभी नवरात्रे स्टार्ट होंगे, अभी तो लाइफ में ना एक्साइटमेंट होनी चाहिए, भले कोई छोटी छोटी चीज क्यों ज्यादा से ज्यादा, वो क्या तुम्हें हर मोमेंट में पंप्ड रखती है तुम्हें। क्या कर रहे हो अंकल, आ जाओ ना गाइस, मीट हमारे अंकल आ चुके हैं। ये क्या दिखा रहे हो तुम? मैं तो दिखा रहा हूँ अंकल, ये बताना गाइस, एक को मूवी में आता था पुलिस वाला, उसका पता नहीं नाम क्या था कैरेक्टर का और उस बंदे का असली में नाम क्या था, बट ये उसी की तरह दिख रहा है। तेरी प्रॉब्लम क्या है? एक बार मुझे तो दिखा दे एक बार। छी गाइस, उल्टी आ रही है, डिस्पोजेबल बैग लेने पड़ेंगे भाई, उसी में तो बैठे हैं अब, तो नई गाड़ी आएगी फरारी की सवारी होगी। अरे सॉरी गाइस, रिवील कर दिया मैंने, इट्स हैपनिंग गाइस, थैंक यू गाइस फॉर द सपोर्ट, इतने करोड़ रुपए छाप दिए मैंने दो तीन साल में, मतलब 5-6 फरारी खरीद लेते हैं भाई, ये भी आती है 2-3 करोड़ और ये कमाई भी करके देगी, और क्या तू चलाएगा, तू करता हुआ जाइयो ना यहाँ से गुड़गांव, तेरे रूट बना के गुड़गांव लेके जाइयो, जॉब करियो, वापस आ जाइयो उसी में। अभी हम लोगों ने एक नई चीज इन्वेंट करी है, हेलो हेलो, देख रहे हो कैसे यहाँ पे फ्लिकर कर रही है, जैसे मैं बोल रहा हूँ मेरे वॉइस कंट्रोल के अकॉर्डिंग चल रही है, अब जैसे मैं चुप हो जाऊंगा तब ये बंद हो जाएगी। शिव पागल है, शिव पागल केतन है, जैसे मैं आराम से बात करूंगा ना तो ये नहीं चलेगी, तो अब ये रूल हो सकता है यहाँ पे गाड़ी में कि अगर तुम इतने डेसिबल से अगर ऊपर बोलोगे जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ तो ये लाइट जलेगी और उसी के बाद तुम्हें चाटा पड़ जाएगा। फ्लैश कर भाई ऑन। ओ वाओ, एक बात बता, बेन स्टोक्स कौन से टीम का है? इंग्लैंड। विराट कोहली कौन से टीम का है? पाकिस्तान। बाबर आजम? इंडिया। शाहीन अफरीदी? इंडिया। मैं कह रही थी कि अभी मैं घर आ चुका हूँ वापस, और इसने एक स्टोरी बताई, बचपन में होता है ना कि जब ऐसे तुम्हारे पापा आगे या कोई बड़ा आगे तुम्हारे को मारता है तो वो मारते तो नहीं है, फेस के आगे ऐसे हाथ रख के फिर मारते हैं तुम्हें डराने के लिए, बट वो लड़कियों के लिए होता है बस, लड़कों के लिए जब वो एक उम्र के बाद जब तुम बड़े हो जाते हो वो जो पहला वाला हाथ होता है वो हट जाता है, फिर जो चमाटा पड़ता है ये कुछ नया सीखा मैंने, जो मैंने करा वो बहुत ज्यादा गलत था। मैंने ना अभी केतन को करके दिखाया कि कैसे बचपन में जैसे मम्मी या पापा कभी ऐसे पिटाई पिटाई बोलते थे ना, बहुत पिटी है, बहुत ज्यादा पिटी है, ऐसे तो कुछ भी नहीं है, ऐसे खुद ही बोल खुद ही बोल रही थी अभी तो, बोला मैंने कंगन लिसन डोंट झूठो पाए वो है, झूठो पाए कॉपी कैट, मैं नॉटी नॉटी किड थी अपने घर में, मैं और मेरी दीदी छोटी हूँ तो ऑब्वियसली नॉटी हूँ, तो हाँ लड़के मारते थे इसको, नहीं मेरे पापा तो बहुत स्वीट थे, मैं इतनी पैम्पर्ड हूँ ना, मैं को रिमोट वाली कार चाहिए थी जब मैं छोटी थी, रिमोट वाली कार तब आई मतलब बाहर से आती थी इम्पोर्टेड कार, मैं तो मुझे चाहिए चाहिए चाहिए, तो मेरे पापा ने मेरे को वो भी लाया था, बट हाँ मैंने बहुत शैतानियां करी है, तो मेरी मम्मी मुझे बहुत पीटती थी और ऐसे बोलती थी चिमटा लगाऊंगी, बट वो ऑब्वियसली कभी लगाते नहीं थे, जब मैं कॉलेज में हो गई तो मैं बहुत जोक अराउंड करती थी, अब लगाओ ना चिमटा, अब लगाओ चिमटा हो जाएगा एक बार चिमटा, शट अप, तेरे को लगा देंगे मेरे मम्मी पापा चिमटा, और इस बार असली लगाएंगे तेरे को, फ्रंट कैमरा ऑन करो उसको लगाएंगे। गाइस ये बेड छोटा पड़ता है इसको, तो ये कभी कभी ऐसे नीचे सो जाता है वहाँ पे, 4 बजे सोया बंदा उसको 6 बजे उठा के बोल रही है कि केतन देख सनराइज देख वहाँ पे वो देख, तब 15 मिनट बाद खुद आके सो गई है। गाइस देखो अभी हमारी लड़ाई होने वाली फ्रेश वाली, प्लीज ब्रिंग इट अप बेबी।